हेलो स्टूडेंट्स दिस इज दिवेश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन फरीदाबाद स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फ़ंड में क्या डिफरेंस है इंडिया में म्यूचुअल फंड कब एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया के फर्स्ट म्यूचुअल फंड की बात की थी उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडिया में किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स यानी किस किस प्रकार की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स इंडिया में एप्लीकेबल हैं कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स इंडिया में अवेलेबल हैं ये सब हमने लास्ट वीडियोस में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेलुएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी कि म्यूचुअल फंड जिसको हिंदी में हम पारस्परिक निधियाँ कहते हैं जो कुछ इन्वेस्टर्स मिलके इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लार्ज कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सके किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्ट उनको परचेज़ करने लिए जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल इन्वेस्टर्स अपनी स्मॉल सेविंग से उन्हें नहीं परचेज कर सकते थे इसीलिए वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट की हेल्प लेके उस कॉर्पोरेट के, के बेसिस पे यानी कि उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी के बेसिस पे लार्ज कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते थे इवैल्यूएशन में अब हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीदने के और उन्हें बेचने के क्या फ़ायदे हैं क्या एडवांटेजेस हैं और क्या हानियां हैं यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग म्यूचुअल फ़ंड्स दूसरा हम पढ़ेंगे कि जब भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किन पहलुओं को ध्यान में रख के म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट करेगा यानी कि या तो गुणात्मक या फिर यानी कि या तो क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव यानी कि या तो गुणात्मक या फिर संख्यात्मक तरीक़ों से किन पहलुओं को वो कंसीडर करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फ़ंड्स फर्स्ट हमारे पास है डाइवर्सिफ़िकेशन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब विभेदीकरण जब इन्वेस्टर अगर स्मॉल सेविंग्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा टाइप के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसीलिए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के बेसिस पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ में उनकी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दिया जाता है नंबर टू प्रोफेशनल एडवाइस जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड कंपनी के बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें पेशेगत सलाह दी जाती है यानी कि उन्हें ये सलाह दी जाती है कि आपको किस तरह की कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपका रिस्क कम हो और आपके मिलने वाले रिटर्न इंक्रीज हो जाएं। थर्ड लिक्विडिटी यानी कि तरलता म्यूचुअल फंड कंपनीज़ स्मॉल इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देती है कि वो किसी भी टाइम पे अपने म्यूचुअल फंड्स को यानी अपनी इकाइयों को अपने यूनिट्स को खरीद और बेच सकते हैं ताकि उनकी सेविंग्स को वापस वो कैश में कन्वर्ट कर सकें उसके बाद है रिड्यूस्ड रिस्क रिड्यूस रिस्क का मतलब जब इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोफेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं और उनका यानी कि इन्वेस्टर का रिस्क भी कम हो जाता है उसके बाद टैक्स एडवांटेज इनकम टैक्स एक्ट ने टैक्स में छूट देने के लिए भी कुछ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के साथ कोलाज किया हुआ है यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके बाद फ्लैक्सिबिलिटी यानी कि म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ ऐसे कुछ प्लान्स देती हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स देती हैं जिनके बेसिस पे इन्वेस्टर्स किसी भी अपनी नीड के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर प्लान को चेंज कर सकता है उसके बाद आपके पास है रिटर्न पोटेंशियल यानी कि चाहे कोई मीडियम टाइम के फ़ंड्स हों या लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फ़ंड्स हों ऐसे फ़ंड्स अपने इन्वेस्टर्स को हाइयर रिटर्न पे करने की कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ डाइवर्सिफ़िकेशन के बेसिस पे सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करती है प्रोफेशनल एडवाइस के बेसिस पे जब अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जा रहा है तो इन्वेस्टर्स को मिलने वाला रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाता है नेक्स्ट है रिटर्न पोटेंशियल हो गया उसके बाद इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलता है यानी कि म्यूचुअल फंड को सेबी के रेगुलेशन नाइनटीन सिक्स के अकॉर्डिंगली इन्हें चलाया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो इंडिया के कैपिटल मार्केट को गवर्न करता है यानी कि सेबी उसके रूल्स अप्लाई होते हैं नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी यानी कि इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग उनकी स्कीम के रिगार्डिंग या जिस तरह की एसेट्स या सिक्योरिटीज़ को उन्होंने परचेज़ किया है उसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम रेगुलर इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है जिसके बेसिस पे प्रॉपर अच्छे से पारदर्शिता उन्हें मिलती है सारी सूचनाएँ उन्हें समय पर मिलती हैं उसके बाद अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी का मतलब कि स्मॉल इन्वेस्टर्स ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसीलिए उनके पास फ़ंड्स कम होते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनीज की हेल्प लेके उन फंड्स को लार्ज uh, फ़ंड बना दिया जाता है यानी स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट कर लिया फिर उनको लार्ज फंड बना दिया गया उस फ़ंड को इन्वेस्ट करने से हर स्मॉल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने के लिए कैपेबल हो जाता है उसके बाद हम एडवांटेजेस uh, के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे लिक्विडिटी क्राइसिस अगर मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड के बेसिस पे कोई इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है तो इसके साथ प्रॉब्लम भी ये आता है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो निकलने के लिए यानी कि उसे बेचना इतना इजी नहीं होता क्योंकि इंडिया में अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है सेकंड हम कह सकते हैं कि इंडिया में अभी रिसर्च की कमी है इनोवेशन की कमी है इंडिया में अभी रिस्क इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट इन चीज़ों को देखने में अभी ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिले इन सर्विसेज हो सकता है इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनीज़ इन्वेस्टर्स को टाइमली और क्विकली अपनी सर्विसेज नहीं देती हैं इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को भी इजीली रिजॉल्व नहीं किया जाता है ये कुछ बेसिक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया में म्यूचुअल फ़ंड्स को डीग्रेड करती हैं इन्वेस्टर्स को डीमोरलाइज करती हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क कंसीडर्ड वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स यानी कि जब भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करें तो उन्हें किन किन रिस्क को किन किन जोखिमों को ध्यान में रखना है फर्स्ट हम बात करते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ यानी कि रिस्क और रिटर्न का एक रिवर्स रिलेशनशिप है यानी कि हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिटर्न तो किसी भी इन्वेस्टर को अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना है कि वो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उतने ही उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे सेकेंड हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की क्रेडिट रिस्क का मतलब कि कोई कंपनी अपने डेप्ट को पे करने की कितनी कैपेबिलिटी रखती है यानी कि किसी कंपनी ने कितने लोन लिए हैं कितने बाहर से फंड्स को बोरो किया है और उन फंड्स को जो उन्होंने बोरो किए हैं उनको पे करने के लिए कंपनी के पास कितने कैश फ्लोज़ अवेलेबल हैं हर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनके सिक्योरिटीज़ की रेटिंग कराई जाती है इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं हमने पढ़ा है जैसे क्रिसिल है केयर है आईसीआरए है इस तरह की कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इंडिया की कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं उसके बाद है हमारे पास मार्केट रिस्क मार्केट रिस्क यानी कि मार्केट में आपका क्या चलता है डिमांड और सप्लाई प्राइसेस हाई या और यानी कि राइज होते हैं या फॉल होते हैं अब हम जब प्राइस और उनके एल्ड की यानी कि उनकी अर्निंग्स की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस हम बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब जब प्राइस बढ़ गए तो वो कम सेल होंगी अगर प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो उनसे मिलने वाला रिटर्न कम हो जाएगा सेम केस वाइस वर्षा अगर प्राइसेस को कम कर देते तो मिलने वाले रिटर्न बढ़ जाएंगे यानी कि किसी भी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट में सर्वाइव करने वाली स्मॉल और बिग या मीडियम साइज़ कॉरपोरेशंस को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी बढ़ रही है आपकी इसके लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ओवर टाइम यानी कि आज के डेट में वन रुपए की जो वैल्यू है वो आने वाले टाइम में वन रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी जितनी आज है ठीक है यानी कि जब कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है अगर कोई इन्वेस्टर अपने फ़ंड्स को इन्वेस्ट करते टाइम सोचता है कि फ़्यूचर में उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे इतना रिटर्न मिलके इतना अमाउंट हो जाएगा तो इसका मतलब आज जो उसकी परचेजिंग पावर है अगर वो उससे आज ना परचेज़ करके फाइव इयर्स टेन इयर्स के बाद परचेज़ करेगा तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है महंगाई बढ़ने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर वो कम कर बैठता है उसके बाद हमारे पास है लिक्विडिटी रिस्क लिक्विडिटी रिस्क का मतलब यानी कि ऐसे रिस्क तब क्रिएट होते हैं जब आपने जो सिक्योरिटीज़ ख़रीदी हुई हैं उन्हें बेचना इतना ईजी नहीं होता नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिस्क पॉलिटिकल रिस्क का मतलब अगर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में चेंज हो जाता है कोई सरकार का डिसीजन चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का एन्वामेंट भी चेंज हो जाता है उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क जब आप फ्री मार्केट की बात करते हो तो उसमें इंटरेस्ट रेट को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यानी कि मार्केट में इतनी क्विकली चेंजेस होते हैं कि इन्वेस्टर टाइमली और प्रॉम्प्टली उस इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट नहीं कर पाता है नेक्स्ट है इवेलुएशन यानी कि किन किन पहलुओं को ध्यान में रख के कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है दो तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अगर हम क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक पहलू की बात करें क्वालिटेटिव का मतलब कि जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest करेगा तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो उन्हें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है फर्स्ट कि म्यूचुअल फंड्स को स्पॉन्सर कौन कर रहा है यानी कि उस स्कीम को लॉन्च किसने किया है सेकंड इन्वेस्टर uh, को उसकी uh, उसकी कंप्लेंट्स का रिस्पांस कितनी जल्दी मिल सकता है थर्ड कलेक्शन सेंटर्स कहाँ पे हैं यानी कि इन्वेस्टर्स को अपना अमाउंट कहाँ पे सबमिट कराना है उसके बाद आपकी जो यूनिट्स हैं यानी आपने जिस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट किया है उनका टाइमली रिडम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बाद जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको यूनिट्स मिली हैं जो आपको म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उनका अकाउंट्स की स्टेटमेंट आपको टाइमली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उसके बाद आप अगर कोई भी चेंजेस चाहते हैं यानी इन्वेस्टर अपने सर्टिफिकेट में या अपने डिटेल में अपने प्रोफाइल में कोई चेंज चाहता है तो उस चेंज को कितनी जल्दी और क्विकली म्यूचुअल फंड कंपनीज उसको एंटरटेन करती हैं उसके बाद अगर इन्वेस्टर एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहता है तो ऐसी स्विचिंग में उसको कितना टाइम लगता है उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को किस तरह से टैकल किया जाता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लिया जाता है ये सब कुछ ऐसे गुणात्मक पहलू हैं क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स हैं जिनको इन्वेस्टर्स को फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंसीडर करना ज़रूरी है दूसरे हमारे पास है क्वांटिटेटिव, यानी कि संख्यात्मक एस्पेक्ट्स, जिसमें हम या तो बात कर सकते हैं नेट आपकी एसेट्स की वैल्यू की नेट एसेट वैल्यू यानी कि ईयर के एंड में कितनी है आपके पास और ईयर के बिगिनिंग में आपके पास कितनी टोटल एसेट्स थी आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है आपकी कैपिटल में टोटल कितना अप्रिसिएशन हुआ है सेकंड इनकम के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं यानी कि म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है यानी कि जितनी एसेट्स आपने खरीदी हुई हैं उन एसेट से कितनी इनकम आप अर्न कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर थर्ड एक्सपेंसेस के बेसिस पे यानी कि आपने म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में इन्वेस्ट किया है उस स्कीम को मैनेज करने में आपके कितने एक्सपेंसेस आए हैं यानी कि जिन एसेट से आप बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं जिन एसेट से आप बिज़नेस को म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऑपरेट कर रहे हैं उन स्कीम्स को ऑपरेट करने में आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने आए हैं तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा कि किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फ़ंड स्कीम में इन्वेस्ट करते टाइम किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना है जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ रिस्क को कुछ जोखिमों को कंसीडर करना है क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये सब हमने डिस्कस किया आई होप स्टूडेंट्स आपको ये म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग